थे जब आपके एनडीएस को जब फॉलो किए तो जिसका प्लेटलेट पहले तो 30,000 था जी। और एक महीने की रिपोर्ट में हाँ जी। जिसको कोई डॉक्टर बचा ही नहीं सकता था उसका प्लेटलेट बढ़ा आपका 1,70,000 हाँ जी, जी। और ब्लड 3 यूनिट था, ब्लड बढ़ा 9 यूनिट एक महीने अच्छा। की रिपोर्ट बता रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी। और 9 यूनिट ब्लड बढ़ा, कड़ाई से एनडीएफ फॉलो किया जिसकी वजह से मेरे अंदर भी ब्रांकाइटिस होता है सीने की बीमारी जी, जिससे गंदगी कफ उप जाम हो। ब्रांकाइटिस बोले थे कि जब मौसम चेंज होता था तो बार बार सर्दी जुकाम खांसी बलगम वगैरह वगैरह गिरते गिरते मैं थक गया था, एकदम परेशान हो गया था। हाँ जी। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको इसमें पीलिया है जो कभी जीवन में जाएगा नहीं, आपको दवाई बरोबर खाना पड़ेगा जी। और आज देखिए आप लोगों ने ऐसा कर दिखाया है चमत्कार, ऐसा कर दिया है चमत्कार कि अगर वो जूस को उस डॉक्टर को मैं दिखाऊंगा ना हाँ जी इंग्लिश अंग्रेजी वाले डॉक्टर को तो वो यही कहेगा कि इसको पियोगे तो सर्दी जुकाम से जकड़ जाओ, लेकिन बता रहे हैं ना सर्दी ना मौसम का प्रभाव ना जाड़ा ना गर्मी बरसात किसी मौसम का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है रामवध भाई, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो उनके मुख से हमें सब कुछ बताना चाहेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? जी दीदी आप लोगों का भी बहुत स्वागत है कि हमारा नसीब है कि आपसे आज मिलना हुआ। हाँ जी, हमारे मन में तो बहुत पहले से ही था कि कम से कम आपसे सामने सामना बात हो जाए जी, और आपने मेरा बहुत हेल्प किया है दीदी। हाँ जी, आपका नाम पूरा बताइए। जी मैं यूपी से हूँ, राम और विश्वकर्मा मेरा नाम है जी। और मैं मुझे एक चाचा थे उन्हीं की मतलब उन्हीं की वजह से मुझे एनडीएस के विषय में मालूम हुआ जी। और 2.5 साल हो गया उस समय, दीदी आपको याद होगा मैं बहुत परेशान था, मेरी वाइफ जो एक्सपायर हो गई जी। वो क्योंकि आप लोग बाद में मिले, एकदम आखिरी चरणों में आप लोग मिले, लेकिन आप लोगों ने मेरा बहुत सहायता किया जी जी। थोड़ा मतलब कि दिमाग में अपसेटपन आ जाता है सोचते हैं उस दिन तो जी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि एक एनडीएस सिस्टम है, अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपकी बीवी बच जाएगी जी। क्योंकि मैं उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किया दीदी, बहुत प्रयास जी। किया हाँ जी। और होम्योपैथी, अंग्रेजी, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ये सब करते करते दिल्ली मुंबई राजस्थान, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में एक बैठते हैं वैद्य जी उनके यहाँ भी गया था मैं जी। लेकिन कहीं से उसको आराम नहीं हुआ और सभी यहाँ के डॉक्टर बीएचयू हमारे यूपी में बीएचयू, हम बनारस के रहने वाले हैं जी। आप लोगों का पहली बार तो हम स्वागत करते हैं अपने बनारस की नगरी में दीदी। यहाँ पर हमारे बगल में काशी विश्वनाथ जी, आप लोग कभी आए होंगे दर्शन वर्शन करने जी। भोलेनाथ की नगरी है हमारी, बहुत हम जानते हैं कि हमारे हम लोग के बीच में समाज में जब जब धर्म की हानि होती है तब तब हमारे धरती हमारी भारत भूमि ऐसे ऐसे लाल को जन्म देती है जो कि इतिहास में के पन्नों पर दर्ज हो जाते हैं और कई पीढ़ियां उनका अनुसरण भी करती जी। उसी में से ये हमारे एनडीएस के भाई बंधु सब हैं, आप लोग का हमारे समाज के लिए जो सेवा परमेश्वर की राह में जो आप लोगों ने कदम बढ़ाए हैं समाज सेवा के लिए जी। वो तो समझ लीजिए कि मैं तो नहीं बुला सकता और आप से जो भी जुड़ेगा सच में नहीं बुला सकता जी। और जब हमारी बीबी का आखिरी सभी डॉक्टर हाथ उठा दिए थे कि भैया ये 2-4 दिन की मेहमान होगी हाँ जी, तभी मैं अपने सीने पर हाथ रख करके आपके बताए हुए नुस्खे पर और अक्सर व्हाट्सएप से आपसे बात होती थी, आज पहली बार नसीब हुआ कि आप सामने सामना है हाँ जी। तो आपने जैसे जैसे बोला उस हिसाब से मैंने फॉलो किया, उस मरते मरते हमारी वाइफ को आपने 3 महीने तक बचा जी जी जी। तो 3 महीने तो एनडीएस से ज्यादा जो है वो जिंदगी अच्छी हो गई, और सबसे अच्छी हाँ। बात है कि वो गंदगी लेके ऊपर नहीं गए हैं, वो पूरा बॉडी जो है उनका शुद्ध करके गए हैं एनीमा से,
और जो लास्ट के जो 3 महीने थे उन्होंने अमृत भोजन लिया, सिर्फ और सिर्फ जूस लिया। और मैंने 3 महीने तक उसका मतलब किडनी दोनों खराब थी। हाँ जी। और डॉक्टर दे दिए थे जब आपने एनडीएस को जो फॉलो किए तो जिसका प्लेटलेट था 30,000 जी, उसका प्लेटलेट पहले तो 30,000 था जी। और 1 महीने की रिपोर्ट में मैं रिपोर्ट कराता रहता था 10-10 दिन 15-15 दिन पर, तो 1 महीने 28 दिन में उसका लगभग 150 से 170-180 प्लेटलेट बढ़ा जी। जिसकी कोई उम्मीद नहीं जी। जिसको कोई डॉक्टर बचा ही नहीं सकता था, उसका प्लेटलेट बढ़ा आपका 170,000 और ब्लड 3 यूनिट था, ब्लड बढ़ा 9 यूनिट 1 महीने की रिपोर्ट बता रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी। और 9 यूनिट ब्लड बढ़ा और मुझे इतनी खुशियां मिल रही थी ना कि उस समय हमसे ज्यादा खुशी वाला इस धरती पर कोई था ही नहीं, इतनी ज्यादा खुशी मिल रहा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जानते हैं कि हमारे नाते रिश्तेदार ये सोचने लगे कि पैसा बचा रहे हैं, ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, पिला रहे हैं मुझे हमारे जीवन में पहली बार था। हाँ जी। तो सभी लोगों ने मुझे प्रेशर दिया और डायलिसिस के लिए बार बार बोलने लगे, वही डायलिसिस कराया जी। पहली डायलिसिस के बाद दूसरी डायलिसिस में मेरी बीबी नहीं बची जी। लेकिन वो तो नहीं बची, लेकिन मैं उसके साथ, वो मेरी बीबी और आपका आशीर्वाद है कि मैं उसी के सहारे एनडीएस फॉलो करने लगा। 21 दिन न खाना खाया हूँ न पानी पिया हूँ, एकदम कड़ाई से एनडीएस फॉलो किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर भी ब्रांकाइटिस होता है, सीने की बीमारी जी, जिससे गंदगी कफ उफ जाम हो जाना। मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जी। तो ब्रांकाइटिस बोले थे कि जब मौसम चेंज होता था तो बार बार सर्दी जुकाम खांसी बलगम वगैरह वगैरह गिरते गिरते मैं थक गया था, एकदम परेशान हो गया था। हाँ जी। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको इसमें पीलिया है जो कभी जीवन में जाएगा नहीं, आपको दवाई बरोबर खाना पड़ेगा जी। और आज देखिए आप लोगों ने ऐसा कर दिखाया है चमत्कार, ऐसा कर दिया है चमत्कार कि अगर वो जूस को उस डॉक्टर को मैं दिखाऊंगा ना जी, इंग्लिश अंग्रेजी वाले डॉक्टर को, तो वो यही कहेगा कि इसको पियोगे तो सर्दी जुकाम से जकड़ जाओगे। लेकिन वही ऐसी उल्टी धारा चली दीदी कि मेरा सर्दी जुकाम समझ लीजिए होना चाहिए कभी कभी, लेकिन बता रहे हैं ना सर्दी ना मौसम का प्रभाव, ना जाड़ा ना गर्मी बरसात, किसी मौसम का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता जी। जी जी, ये तो ईश्वर की कृपा है भैया। हम तो पूरे विश्व को फ्री में बता रहे हैं, लेकिन आप जैसे महान आत्मा जो है वो ये फॉलो करते हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद में भी आप ये सिस्टम को पकड़ के रखे हैं, तो आपके चरणों में भी हमारा सत सत प्रणाम है जी। आपके आपके बच्चे भी ये सिस्टम को फॉलो करते हैं? आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एट ईयर का, प्रणाम करो दीदी, ये मेरा 8 ईयर का बाबू है जी, और एनीमा भी करता है जी, और जूस भी पीता है। हाँ जी। दूध मैंने इसका बंद करा दिया क्योंकि मैं गीता, आप ही ने मुझे राह दिखाया दीदी जी, और गीता जब मैं डेली पढ़ता हूँ, एक पन्ने डेली पढ़ता हूँ, गीता में सब कुछ दे दिए हैं जो आप बताती हैं, एकदम सब प्रत्यक्ष सही है कि जैसा आहार होगा वैसा हम लोग के शरीर में हलचल होगा, अगर हम पका खाएंगे भोजन तो हमारे बॉडी में विषैले तत्व भरते ही जाएंगे जी, ये सत्य बात। हाँ जी। मैं डेली प्रतिदिन, पहले तो कम से कम साल भर 3 टाइम आपके बताने के अनुसार कर रहा था जी, वो एनीमा मतलब सुबह दोपहर शाम कर रहा था, क्योंकि मैं अंदर अंदर से बीबी को इलाज कराते 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 मैं भी अंदर से बहुत बीमार हो गया था जी जी जी। तो मैं उसके दुख के आगे मैं अपना ध्यान नहीं देता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं भी ज्यादा दिन नहीं चलूंगा जी, लेकिन आप लोगों के या समझ लीजिए किस कर्म का फल है आप लोग के मेरे जीवन में आप लोग आए जी। बीपी चौहान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और जिंदगी भर मैं प्रणाम करता रहूंगा जब तक जिए, हमारी उम्र भी लेके जिए साहब। पानी पी लीजिए भैया। जो आप लोगों ने न्यू डाइट सिस्टम का सिस्टम जो हम लोगों ने हमारे जीवन में दिया है जी, सच में बता रहा हूँ, मैं लगभग 2.5 वर्षों से लगातार मैं करता हूँ, बच्चों को भी देता हूँ, और 2 बिटिया है मेरी, एक बेटा है मेरा, सभी लोग जूस पीते हैं और एनीमा भी करते हैं, मेरे बच्चे कोई बीमार नहीं था, यही था आजकल का था
पांच साल से बार बार परेशानी, बार बार जुकाम खांसी, पेट गड़बड़, आई गड़बड़, आई गड़बड़, भाई कहाँ कहाँ जाऊं जी। लेकिन आप लोगों ने ऐसा रामबाण दे दिया है कि 100 बीमारी एक दवाई जी जी। आप लोग भगवान करे आप लोग की उम्र बढ़ती रहे और कभी जीवन में आप लोग के सेमिनार में हम परिवार के साथ आए भी, कभी आप लोग सेमिनार करिएगा तो मुझे बताइएगा, आएंगे बता रहे हैं कि मेरे से भी जुड़े 250-300। मेरा तो कारपेंटर का काम है, स्टील वर्किंग कारपेंटर और एल्युमिनियम का काम है, मुझसे 250-400 आदमी जुड़े हैं, तो इसमें छोटा छोटा आपके आशीर्वाद से बना के अपने स्टेटस पर डालता हूँ ताकि कम से कम लोग, आज 2.5 साल हो गया बिना खाना बिना पानी, अगर मुझे तो ऐसी शरीर होता है, ऐसा बॉडी होता है नहीं। तो आपने 2.5 साल से पकाया हुआ बिल्कुल नहीं खाया है? नहीं, रात में जो माता पिता, चूंकि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पर भोजन की सर्वोपरि माना जाता है जी। केवल गीता की किताब पर केवल अगरबत्तियां ही इधर उधर दिखाते हैं लोग, बस मतलब फॉलो नहीं करते हैं जी। यही उनको का कारण, मैं जिस घर में जाता हूँ तो वर्क तो मेरा ही है करेंगे, लेकिन पहला ध्यान मैं यही देता हूँ कि क्या इस घर में बीमारियां हैं जी। तो यही देखने को दीदी मिलता है ना कि 5 सदस्य अगर है जी। तो मान लीजिए कि 1-2 सदस्य छोड़ के सभी बीमार है कुछ न कुछ रहते हैं जी। और आपने कैसा जादू दे दिया कि चला न तो हम कभी भोजन बिना आदमी मस्त रह सकता है, इतना चुस्त फुस्त रह सकता है, 3 से 4 गिलास में मेरा पूरा दिन बीत जाता है, आप सोच लीजिए। हाँ जी जी, आप तो बहुत बहुत अच्छा जूस बनाते हो, आपकी जूस की वीडियो भी हम पूरे विश्व को दिखाएंगे, कितना बढ़िया जूस बनाते हो आप, और इतने छोटे छोटे बच्चों को माँ की तरह प्यार दे रहे हो और इतना अच्छा पालन पोषण कर रहे हो कि भगवान को भी ऐसा लगेगा कि भाई चलो माँ और बाप दोनों एक ही है, लेकिन अच्छा भोजन बच्चे को दे रहे हैं, और ये जो अच्छा भोजन दे रहे हो आप अपक्व भोजन, उससे उनकी बहुत ही विचार शैली अच्छी होगी, उनके विचार आचार, उनका रहन कहन, उनकी प्रगति बहुत आगे बढ़ेंगे आपके बच्चे, और इतना पढ़ेंगे लिखेंगे और नाम कमाएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर फल फूल। हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। रामवत जी एक बात बताइए कि आपकी वाइफ का नाम क्या था? जी कविता विश्वकर्मा था। जी जी जी, तो कविता जी को भी हमारा सत सत प्रणाम, कहीं पे भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको हम श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं कि अगर वो हमें पहले बहुत पहले मिल चुके होते तो उनकी किडनी जो है वो डैमेज नहीं होती, और बहुत जल्दी मिले होते तो वो किडनी भी अच्छी हो जाती, लेकिन लास्ट स्टेज पे वो हमारे संपर्क में आए और फिर भी 3 महीने वो अच्छी तरह से रहे और फिर चल दिए, तो उनकी हम सुबह सोचेंगे कि उनकी उम्र जो है वो उतनी होगी, आपके साथ उनका साथ इतना होगा, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको भी शक्ति दे, तो तीनों बच्चों को आप अच्छी तरह से बड़े कर रहे हो और इतना अच्छा आप भी समाज सेवा का काम कर रहे हो, ढेर सारे लोगों के आशीर्वाद आपको भी मिलेंगे। धन्यवाद दीदी, मैं कोशिश करता हूँ सभी लोग एनडीएस फॉलो करें, मैं समाज के लिए एक संदेश जरूर दूंगा जी। कि हमारे पास रहें और हमारी भूमि पर जितने जब जब धर्म की हानि होती है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान का जन्म होता ही है, और समझ लीजिए मैं एकदम तहे दिल से बता रहा हूँ, इस धरती पर अगर किसी कोई अगर दूसरा जन्म लिया है इस धरती पर, सभी लोग दो ही चीज से परेशान है, ज्यादातर बीमारियों से परेशान है और माइग्रेन चिंता से परेशान जी। ये दोनों बीमारियों का एक ही रामबाण आपने दे दिया है इलाज, उससे माइग्रेन भी जैसा आहार होता है वैसे, जैसा सात्विक आहार होगा वैसा मन हमारा बनेगा जी। अब मुझे बताइए आप गुस्सा दिलाएंगे भी तभी मुझे अंदर गुस्सा नहीं आता जी। इतना मस्त फलाना जिंदगी आपने दे दिया दीदी कि मैं 100 साल तक भी जीऊंगा तभी शायद जिंदगी में कभी एक टैबलेट भी डॉक्टर का खाना पड़े जी जी, अब नहीं खानी पड़ेगी। नहीं खाते, 2.5-3 साल हो गया, कभी अभी तक कुछ नहीं, ना जुखार ना बुखार ना कुछ ना कुछ, एकदम मस्त जिंदगी आपके आशीर्वाद से चल रहा है। हमारी जो सिस्टम है वो श्री रामचरित मानस से आई हुई है, तप सेवा सुमिरन से आई हुई है, और आपके तो नाम में ही श्री राम है, तो आपका तो भला ही होगा, भले देर से आई है सिस्टम आपके पास, लेकिन फिर भी आपका बहुत ही अच्छा होगा कि आपका कोलाइटिस हो गया,
ठीक हो गया, आपके बच्चा जो है वो उत्तम इतनी सारी दवाइयां से सर्दी से परेशान था वो ठीक हो गया है। तो रामवत जी पूरे दिन की दिनचर्या बताइए, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, पूरे दिन में क्या खाते हो, कितना काम करते हो, वो सारा कुछ बताइए। दीदी मैं कसम से बहुत ज्यादा बिजी व्यक्ति हूँ और सच में बता रहा हूँ कि बिना खाए पिए इतना एनर्जी फुल रहता हूँ। अब मैं सुबह से बता रहा हूँ, मार्निंग में मैं चार बजे पूरा प्रयास करता हूँ, चार बजे उठता ही हूँ, आधा घंटा लेट सवेर हो सकता है, चार बजे उठता हूँ। पहले मैं अपना नित्य क्रिया करता हूँ, ब्रश मंजन और एनिमा वगैरह से मैं खाली हो जाता हूँ, तो इस बच्चे को मैं अपने 5 बजे उठाता हूँ। 5 बजे उठाने के बाद इसको ब्रश मंजन एनिमा कराने के बाद वो जूस वगैरह पीता है और फ्रूट्स वगैरह लाता हूँ इसके जो है ना टिफिन में डाल के भेजता हूँ। भोजन भी देता हूँ लेकिन बहुत कम, चूंकि छोटा बच्चा है सभी को देखता है तो भाई इसका जी मानेगा नहीं। रात में भोजन देता हूँ और सुबह में बस आधी रोटी दे देता हूँ क्योंकि अभी बच्चा है, फल फूल ज्यादा है, 80% फल फूल दे देता हूँ और जूस भी पी लेता है ग्रीन पत्तियों का और इसलिए सिस्टम भी बन जाता है। और बाकी लड़कियां हैं तो अपना 18 ईयर्स की हो चुकी है मेरी बिटिया। अच्छा। मेरा एक 42 साल है, मेरी बड़ी बिटिया का 18 वर्ष हो चुका है, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है जी। और वो भी दूसरी बेटी 9th में जी। हाँ, बच्चों में अंतर है जी काफी। हाँ, तो ऐसे ऐसे मतलब सुबह वाला इस सिस्टम से हो जाता है। जूस मैं 4-5 गिलास बनवा लेता हूँ, एकदम मस्त कई प्रकार से मिला के बनाता हूँ, इतना टेस्टी बनाता हूँ कि सोच समझ आप ही लोग का दिया होगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें जो उचित लगता है कि टेस्टी भी हो और मन भी प्रसन्न हो जाए, और सप्ताह में एक बार जरूर मैं करेले का जूस पीता हूँ। अच्छा, सप्ताह में हाँ मतलब मंथली में, मंथ में 4 बार करेले का जूस मैं पीता हूँ क्योंकि खाई में जल्दी से कीड़ा पड़ जाता है ऐसा सुने हैं हम लोग जी। तो थोड़ा सा भाई वो पापा को है, उसका रस निकाल के पी लेने में क्या दिक्कत है जी। और दोपहर में जब भी मार्केटिंग में निकलता हूँ तो दोपहर में उधर से चाहे मौसम्बी हो चाहे पपीता हो मिलता है मार्केट में ठेले वगैरह पर, तो वहां से जूस वगैरह पी लेता हूँ और दिन बीत जाता है। शाम का क्या है कि शाम को बिटिया मेरी बनाती है जो खाने पीने के लिए, मेरे माता पिता भी बनाती है, उन लोग का अवस्था 75 हो चुकी है तो जो करते आए हैं वो लोग को थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है जी, जी। है ना, अकेले आप ना अकेले 100 लोग के बीच में सभी लोग दूसरे प्रकृति हैं, आप अकेले हैं तो थोड़ा सा उसमें मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नहीं नहीं, हमने बहुत सारी वीडियो में समझाया है कि अगर आप सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक फॉलो करते हो और शाम को फिर पकाया हुआ भोजन थोड़ा बहुत लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समाज में रहते हैं तो चलता है। आपकी बेटी भी आपकी तरह अच्छी तरह से फॉलो करते हैं? हाँ, बिटिया भी करती है। और दूसरी चीज की मैं 10-11 के बीच में ही जूस पीता जी, क्योंकि जिस जगह मैं रह रहा हूँ मैं चौथे मंजिले पे हूँ, 4 मंजिले पे हूँ बैठा, नीचे मेरा कारखाना है वो आप तो जानती है, फर्नीचर का है, स्टील एल्युमिनियम का है जी। उसी से और मैं मुझे खाली टाइम नहीं मिलता, मार्केटिंग है, दौड़ना धुकना है, रिश्तेदारी में शादी विवाह, किसी का तबियत खराब हुआ तो उनके यहाँ इनके यहाँ, और इसी में मतलब किसी भी हाल में मुझे 4 बजे से 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 घंटे के बाद ही मैं पेट में कुछ डालता हूँ और मन ज्यादा तो नहीं, इतना वर्क पड़ जाता है कि मुझे जूस पीना ही पड़ेगा जी। लेकिन महीने में 4 दिन कोशिश यही करता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक पेट में कुछ ना न जाए, न पानी न जूस न पानी न कुछ भी न जाए। अच्छा। इसीलिए मैं देखता हूँ ना कि मेरे कंपेयर में जितने मेरे संगी मित्र हैं उन लोगों के देख रहा हूँ कि बड़ा तेजी से बाल भी पक गए और ऐसे लाज फुला करके पेट फूल करके ऐसे चेहरा जैसे लगते हैं कि 50 साल के होंगे। तो आप मुझे आप एक वीक में 4 दिन जो है वो सुबह से शाम तक कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, जूस भी नहीं, फल भी नहीं? नहीं
कुछ भी नहीं, एकदम। और इतना सारा काम करते हो कारपेंटर का? हाँ, कोई एनर्जी में कमी नहीं। जी जी जी, क्या बात है। और एनिमा के बारे में भी बताइए। एनिमा तो गजब का आपका है दीदी। एनिमा तो हम बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, नहीं जो करेगा उसको भरपाई वो करेगा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भी दूसरे तरीका से करते थे, उसी का आप लोगों ने साधारण रूप बना करके व्यवस्थित रूप घर में सिस्टम दे दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है सोच समझ के जी। और एनिमा, अगर मैं एनिमा करता हूँ दीदी, एनिमा से जब खाली होता हूँ तो आधा एक घंटा में मेरा पेट, मेरा दिमाग, मेरा फ्रेशनेस गजब का महसूस होता है जी। पहले नहीं होता था जी। एनिमा करने के बाद मेरा पेट, मेरा तंदुरुस्ती, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ एकदम फ्रेश, एकदम जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरा लो तो गाड़ी चलने के लिए रेडी हो जाती है। इसी तरह जब इसमें तो पेट से कचरा निकाल देते हैं जी, तब ऑटोमेटिक एकदम फ्री माइंड से कुछ भी सोच लेते हैं, करते हैं, बस मौलाना जिंदगी बीतता है। इसमें कोई बनावटी नहीं बता रहे हैं, जो है जीवन में मेरे बीत रहा है जी, और जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि मैं मरते दम तक इस प्रक्रिया को नहीं छोड़ू जी जी, और आप लोगों का संगत भी नहीं छोड़ू। हाँ जी, प्रक्रिया जी। और दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि वो दूध लेना चाहिए चाय, छाछ, कॉफी या फिर मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर चुके हो वो बताइए। देखिए, दूध की जो जहाँ की सवाल है ना, तो दूध जब भी कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको स्टैंड करने के लिए, थोड़ा सा स्टैंड करने के लिए उसके पास, हर बच्चे के माँ के पास दूध आता है ठीक। अब बच्चे को स्टैंड जब हो जाता है, 2 साल 2.5 साल तक दूध पीते हैं बच्चे, हम तो 5 साल तक पिए माँ का दूध जी। हाँ, माई ने बताती है कि तू 5 साल तक पी ले बच्ची, हम थोड़ा सा इधर भोजपुरी चलता है जी, जी। तो हम बोल क्या है कि 2.5 साल तक माँ बच्चे को दूध देती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा स्टैंड जहाँ हो जाता है तो वो भोजन पर आ जाता है जी। और लेकिन भोजन बना करके उसी समय अगर जूस प्रक्रिया में लाया जाए तो बच्चे जो बचपन में नहीं लाल पीला हरा नीला टॉयलेट पोटी वगैरह करते हैं, बार बार डॉक्टर, बार बार डॉक्टर, सुई इंजेक्शन एकदम सबके घर में ऐसा हो रहा है, बहुत खराब लगता है जी जी। तो वो चीज नौबत नहीं आती, तो माँ के पास दूध आया उस बच्चे को स्टैंड करने के लिए जी। अगर यहीं पर देखा जाए एनिमल्स के बॉडी में जो दूध बन रहा है जी, तो उसके बच्चे के लिए बन रहा है। हाँ जी, उसके बॉडी का जो ब्लड है मेरे अंदर अगर चाहे जाए तो मैं तो मर जाऊंगा। हाँ जी, उसका उसका बनावट, उसकी पसीना, उसका ब्लड, उसका सिस्टम सब अलग है। हाँ जी, तो वो अपने बच्चे के लिए दूध बना रही है तो क्यों हम पिए। हाँ जी, अगर सच्चाई जैसे पूछा जाए किसी भी व्यक्ति से कि यह उचित है तो उसका मन तो बोलेगा नहीं, लेकिन जो हमारे ऊपर जो पुराने लोगों का बाप दादे से जो छाप पड़ी हुई है उसकी वजह से भले बोलते कि नहीं दूध पीना चाहिए, लेकिन मन नहीं बोलेगा। हाँ जी जी जी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ जी, बाकी तो आप लोग खुद ही पूरी दुनिया को समझा रही है, बुझा रही है। आप लोगों का जीवन समझ लीजिए, ये जन्म आप लोग का सार्थक हो गया। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। जी, दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से बनी प्रोडक्ट भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि धरती पर सबसे पहले अगर बिगड़ने वाली चीज है तो दूध ही। हाँ जी, जो सड़ जाता है वही उसी जगह बैक्टीरिया पड़ता है, उसी जगह वो क्या बोलते हैं कि बीमारियां फैलती है जी, इसलिए दूध नहीं। ये मेरी बड़ी मीठी है, देखेंगे जी। हाँ जी, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? और बताइए क्या नाम है बेटा? श्वेता विश्वकर्मा। श्वेता? यस मैम। जी, पापा अच्छी तरह से जूस पिलाते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, मजा आती है? हाँ, बहुत आती है जी। कि रोटी सब्जी ज्यादा खाने को, लंच में रोटी सब्जी खाने को मन करता है कि फल से काम चल जाता है? नहीं, फल भी खाते हैं अब। बात जी, बात करो, सही की बात करो। और बताइए? बस बढ़िया है, अच्छा लगता है ना हमारी सिस्टम, वीडियो देखते हो हमारी? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, हम ही बनाते हैं पापा, कभी कभी पापा बनाते, जूस यही बनाते हैं। अच्छा अच्छा, और मैं भी बनाता हूँ, जब खाली नहीं रहती है तो मैं ही बनाता हूँ।
और मैं बनाता हूँ, सब्जी मंडी जाता हूँ, छाट छाट के सामान लेके आता हूँ, मजा आ जाता है। कसम लाइफ इज फुल ऑफ विदाउट मेडिसिन। हाँ जी, श्वेता जी भी एनिमा करते हो? हाँ करते हो ना जी। यस जी जी, सबको करना चाहिए। वो एक साल का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, बीमार हो या ना हो, आज से एनिमा करने चाहिए। तो आपको 100 साल तक आपकी किडनी सेफ रहेगी, आपको कभी कोलाइटिस ना होगा, आपको कभी सर्दी जुखाम ना होगा, कभी कोरोना ना होगा, कैंसर जैसी भली बीमारी भी आपके घर में कभी नहीं आएगी, कभी दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। तो हमेशा ये सिस्टम को फॉलो करते रहिएगा। ओके जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपसे बात, पिछले 2.5 साल के बाद आपसे मिलना होगा। हाँ, हाँ, जी, 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 जी। जब आपने व्हाट्सएप पे बोला कि मीटिंग करोगे तो हाँ, आपने बहुत इतना मिला कि क्या बताएं। जी जी जी, हमें भी अच्छा लगा। इतने इतने बरसों से आप हमसे जुड़े हुए हो फिर भी ये सिस्टम फॉलो करते हो। कई लोग तो ये करते हैं कि भाई इनको अच्छा नहीं हुआ तो चले घर के सारे कोई अब फॉलो नहीं करेगा, ये सिस्टम अच्छी नहीं है। लेकिन आपने इतना पॉजिटिव लिया कि आपने भी ये सिस्टम को पकड़ के रखा, आपके 3 बच्चों को आप फॉलो करवा रहे हो, आप इतनी अच्छी तरह से आपका कोलाइटिस ठीक कर दिया। जी सर, आप एक पूरे समाज को एक संदेशा दीजिए कि बच्चों को हेल्दी करना है या हमें खुद हेल्दी रखना है, या पूरे समाज में, चाहे कोई भी समाज में कोई भी लोग हो, तो कोई भी समाज के लोग, हर एक घर में आप जाते हो तो सबके घर में आप देखते हो कि किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, तो आप सबको जो एडवाइस देते हो वैसे आज पूरे विश्व को कुछ सलाह दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है। हाँ, इसके विषय में भी बोल दे रहा हूँ, मेरा अनुभव के अनुसार भी। देखिए, हम यही समाज के लिए एक संदेश देंगे, आप कुछ भी, जैसे कि बच्चे को डीएम बनना है, वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा तो उसको गद्दी मिलना ही मिल ही जाता है जी। पहले शुरुआत में जब एनडीए फॉलो करोगे, ये तो हमारे दादा परदादा परदादा करते आए हैं, लेकिन बीच में इतनी पाश्चात्य सभ्यताएं घुस चुकी है कि हम लोग भूल चुके हैं जी। ये नई चीज नहीं है, ये जो आप लोग मुद्दा उठाए है ओल्ड ही, लेकिन ओल्ड इज इस समय के मायने में गोल्ड बन गया है। यस यस। और दूसरी बात कि जब फॉलो कर रहे हैं तो देखिए भैया, आप लोग घबराइएगा मत। जब फॉलो करेंगे जो हमारे बॉडी का विषैले तत्व जो भरा हुआ है हमारी बॉडी में, वो एनडीएस फॉलो करते ही वो सारे के सारे निकलना शुरू कर देंगे जी। और जो जिंदा जिंदा तत्व है, पहले तो मरा हुआ तत्व डालते थे, अब जो जिंदा तत्व है तो हमारे बॉडी के हर एक कोशिकाओं को, मरे कोशिकाओं को निकाल देंगे और जिन कोशिकाओं को जिंदा करना शुरू कर देंगे जी जी, जिससे हमारी आयु बढ़ जाएगी, टेंशन चिंता माइग्रेन जो बोलते हैं ये सब भी खत्म हो जाएगा जी। और जो शुरुआती तो भैया मेहनत करेंगे तो 1-8 महीना तक आपको परेशानी होगा, उससे घबराना नहीं चाहिए जी। दूसरी बात कि उसी पर देखिए, मेरे आपके सामने मैं हूं ना, 2.5 साल हो गया, मेरे हित नात रिश्तेदार माई बहू सब लोग गाली भी दिए कि क्या कर रहा है, पगला गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आपके बताए ये गीता में भी मैं जी। भोजन सात्विक राजसिक तामसिक तीनों प्रकार के उसमें दिए हैं जी। और मैं समझ लीजिए कि मनुष्य के रूप में भले इस समय गृहस्थ में आश्रम में पढ़ा हूँ, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी संत जीवन यापन कर रहा हूँ जी जी जी। तो घबराना नहीं चाहिए, एनडीएस फॉलो करिए, इसका फायदा भाई 40 साल के जो हो गए होंगे, 30 साल के जो हो गए होंगे, तो क्या 30 साल में खाया पिया ये कई सेकंड में निकल जाएगा, बीमारी भाग जाएगी, आपका पैसा भी नहीं लग रहा है, आपका समय भी बच रहा है, जो भी करना है अपने हाथ से करिए, अपने हाथ से अपने अंदर के डॉक्टर को जगाइए, अपने सेहत को मस्त करिए। दीदी आप लोग तो जो दे रहे हैं लोगों को, सभी लोग को जो गुमराह कर रहे करते भी होंगे, ऐसा नहीं समाज में कोई गुमराह नहीं करता हो, है ना, कुछ दिन किए नहीं कुछ समझ में आया तो सोचते हैं कि छोड़ दें, नहीं छोड़ना चाहिए जी, नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है आपका मन नहीं मान रहा है, लेकिन एनडीएस करते रहिए, एनिमा को मत छोड़िए जी, एनिमा ना ही छोड़ेंगे तभी समझ लीजिए कि आपका प्लस में जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, एक बार सफाई किए फिर उसके बाद भरने में देरी थोड़ी ना लगेगा जी जी। आखिर हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर की डेली सफाई करते हैं ना जी,
अगर वैसे ही बैठेंगे तो गंदा गंदा देख के मन प्रसन्न होगा नहीं, नहीं। अब बाहर से साबुन तेल लगा लिए क्या साफ हो गए? जब तक अंदर की सफाई, जिससे मुंह से कचरा जा रहा है अंदर, अंदर की सफाई नहीं होगी तो कहाँ से आप बीमारी से मुक्ति पाएंगे जी। इसलिए इंडियस इज द बेस्ट, इंडियस बहुत बेस्ट है सभी अदरवाइज अदर उपचार की अपेक्षा। अपनी बीवी को समझ लीजिए कि मैं क्या बोलते हैं कि ओझा जो झाड़ते फूकते हैं निबुआ का अंडा फंडा सब फूकते हैं ना, वहां तक ले गए वो सब तो, और समझ लीजिए कि उस लाइन में तो जाना ही नहीं चाहिए। पहले तो आधे मन से गया लेकिन उसके बाद हाथ जोड़ ली, भैया तुम अपना भूत प्रेत उधर भगाओ। जब बीमारियां आती है ना तो सभी लोग अपना अपना रास्ता बना करके अपना अपना सिस्टम बैठाने लगते हैं कि 10 रुपया आना जी। ओझा अलग, डॉक्टर लोग अलग, घर द्वार बेच देना पड़ता है एक बीमारी में। मैं उस स्थिति से गुजर चुका हूँ जी। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो भी एनडीएस नहीं फॉलो करेगा उसको भुक्तभोगी होना पड़ेगा जी। तो आप लोग घबराइए मत, एनडीएस को फॉलो करिए। आप लोग के पीछे तो दीदी समझ लीजिए देवता के रूप में जन्मे हैं, ये सब लोग हैं। आप यही लोग की हिम्मत से मेरे अंदर हिम्मत आई थी जी। ये लोग बरोबर आपके मन को छूटने नहीं देते और पॉजिटिविटी देते हैं, और आप दिन प्रतिदिन जहां 2-4 महीने बीता आपका उसी जगह से फिर माइनस से प्लस में चलना शुरू कर देंगे जी। जब बॉडी का पिछला तत्व निकल जाएगा आप देखेंगे कि वही सुबह कितना स्फूर्ति, आज देखिए वही 4 गिलास दूध पिए कितना टाइम हुआ, 1:44 हुआ जी। रात को भी भोजन मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, देखिए मैं रात भर चलूंगा, कल शाम तक चलूंगा जी जी जी। हमें शाम तक चलू, मैं अपने पर हमें कर चुका हूँ। हमें एडिक्शन हो गया है खाने का, एडिक्शन हो गया है, पेट को जरूरत नहीं है, हमें बार बार ऐसा होता है, हमें बार बार खाने का जो है वो नशा जैसा हो गया है। तो ये जो है वो तो ये जो है वो हमें ये एनडीएस से समझना है कि शरीर की क्या जरूरत है उतना ही उसको देना है जी। तो रामवत जी आपने अपना कीमती समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल में आपने पूरा अपने अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप एनिमा ऑर्डर कर सकते हो, और आप हमें व्हाट्सएप से भी मैसेज करके आप एनिमा या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो मंगवा सकते हो। हम पूरे विश्व में कुरियर करते हैं और सभी को हम स्वस्थ करते हैं, निशुल्क में स्वस्थ करते हैं। तो थैंक यू, प्रणाम, आभार, नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते दीदी जी। थैंक यू। ओके जी, ओके।